अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने फ्रॉक तैयार की है जिसका हमने साइड पे सेंटर पैनल दिया है और साइड के पैनल दिए हैं। इसमें हमने लेस लगाई है, ठीक है। और ये इसका हमने गला बनाया है, यहाँ पे इसका वी आ रहा है और इसकी हमने पट्टियाँ लगा दी। इसका जो है ना अंगरखा लुक दिया हमने, ठीक है। और ऊपर इसकी जो है ना बूट पाइपिंग लगा दी और नीचे इसका बढ़ता हुआ बॉर्डर। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉक हमने किस तरह तैयार की है। अब ये देखिए, मैंने इसका जो है ना बैक फ्रंट बिछाया हुआ है, इसकी मैंने बैक भी छाई है डबल करके, और ये इसका फ्रंट है। जितनी हमें इसकी लंबाई चाहिए थी ना, उस हिसाब से हमने इसकी लंबाई निकाल ली है। 4.5 इंच के नीचे हमारा बढ़ता हुआ बॉर्डर लगेगा, ठीक है। ये 4.5 इंच मैंने निकाल दिया और ये तकरीबन 39 इंच हमारी लंबाई तैयार होगी, 38.5-39 इंच, ठीक है। तो अब हमने जो है ना यहाँ पे इसका 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और यहाँ से एक निशान हमने 16 इंच पे लगाना है। यहाँ पे भी 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और एक निशान नीचे 8 इंच पे लगाना है। इस कपड़े का अर्ज भी मैं आपको बता देता हूँ, ये डबल किया है मैंने, 17-17 34 इंच, ठीक है। 34 इंच इसका अर्ज है कपड़े का। इसके साइड में से मैंने बॉर्डर निकाल लिया पहले। अब इसकी कटिंग कर देंगे बैक और फ्रंट दोनों की। देखिए, मैंने जो है ना स्मॉल साइज के हिसाब से इसका जो है ना कटिंग किया है, क्योंकि मुझे गला जो है ना 8 इंच का फैलाव चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना 8 इंच जो है ना इसकी कली तैयार होगी सेंटर वाली यहाँ से, क्योंकि 4.5 इंच पे मैंने इसका निशान लगाया, डबल किया हुआ है। तो सिंगल करेंगे तो 9 इंच हो जाएगा, आधा आधा इंच जब दब जाएगा तो 8 इंच जो है ना यहाँ पे इसका गैप बच जाएगा, बीच का सेंटर सेंटर पैनल जो है ना 8 इंच का तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके साइड पैनल हो गए। अब ये नीचे वाला साइड जो है ना हमारा ऊपर की साइड आ जाएगा, ऊपर की साइड नीचे चला जाएगा, इससे हमारा घेर बढ़ जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पैनल में ना हमने ये लेस लगानी है, ये हमारे पास लेस है, ठीक है। इसके पैनल में लेस लगा लेंगे, उसके बाद हम इसका गला बनाएंगे। अभी हमने सेंटर पैनल लिया हुआ है, ठीक है। सेंटर पैनल को मैंने खोल लिया। अब यहाँ पे हम इसे पहले लेस लगाएंगे। ये सीधी साइड आपकी जो है ना लेस की सीधी साइड नीचे होनी चाहिए इस तरह, ठीक है। अभी मैंने लेस लगा ली, ठीक है। ये हमारा साइड पैनल है, साइड पैनल को हम यहाँ पे इस तरह रखेंगे, यहाँ से हम इसे बराबर रखेंगे और यहाँ से इसे जो है ना इस तरह बराबर सेट करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हमें नीचे से शुरू करना है। ये नीचे वाली साइड हमारी ऊपर आ गई है, ठीक है। अब ये सेंटर पैनल का जो है ना नोक जितनी निकल ली आप इसे बाहर निकाल दें इस तरह से। अब ये जो हमने सिलाई लगाई है, इसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने लेस लगा ली, ठीक है। अब ये लेस का रुख जो है ना ऊपर की साइड पे सीधा कर दिया मैंने, सीधी साइड हमारी इस साइड आ गई, क्योंकि लेस का रुख जो है ना मैंने इस साइड कर दिया, बाहर की साइड निकाल दिया, सेंटर पैनल की साइड में नहीं है, ठीक है। ये जैसे कि इस तरह से नहीं है इसका रुख लेस का, इसलिए हमने लेस को इस तरह से रखा था, सीधी साइड नीचे थी। जब इसकी कली जोड़ी तो इसकी लेस का रुख जो है ना इस साइड पर आ गया, दबाव जो है ना इसका दूसरी साइड चला गया, सेंटर पैनल की साइड पर, ठीक है। तो इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह मैंने लेस लगा ली, और इन पर मैंने लब की सिलाई भी लगा ली, ठीक है। ऐसा भी होता है कि आप 3 सिलाई से भी लगा सकते हैं, मतलब जैसे 3 सिलाई लग गई हमारी पैनल जोड़ने में, पहले लेस को एक सिलाई लगाई, फिर पैनल जोड़ा, फिर ऊपर एक लब की सिलाई लगाई। अगर आप प्रॉपर मतलब आप सेटिंग से लगा सकते हैं तो आप एक सिलाई से भी लगा सकते हैं, सिर्फ एक ही सिलाई से नीचे जो है ना लेस रख के एक ही सिलाई से लब की सिलाई से इसे जोड़ दें, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए जो है ना 3 सिलाई से लगाया, ये इजी तरीका है। अगर आप परफेक्ट हैं सिलाई लगाने में तो आप एक ही सिलाई में इसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बैग भी इसी तरह तैयार कर लेंगे, फिर इसे डबल करके बिछा लेंगे काउंटर पर। अब ये मैंने बिछा लिया है, ठीक है। आपको ये लेसिस जो है ना बिल्कुल इस तरह बराबर रखनी है, आगे पीछे ना हो। अब इसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे।
आर्मोल का निशान इसका 7 इंच पे लगा लेंगे और वेस्ट का निशान 15 इंच पे लगा लेंगे। ठीक है, शोल्डर का निशान 7 इंच पे, चेस्ट का निशान इसका लगा लेंगे हम 9.5 इंच पे, वेस्ट का निशान 8.5 इंच पे। जैसे यहाँ से 34 इंच आ रहे हैं ना, तो यहाँ से हमने ऊपर से इसी तरह रखना है, ठीक है, नीचे से हमने घुमाना है इसको, इसी तरह 34 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हमारी कटिंग हो गई, ठीक है। इसका सिर्फ अब पहले हम गला बनाएंगे, ये हमने बुकरम ली हुई है, ठीक है, इसे हम डबल कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे 1 इंच पे निशान लगा लेंगे क्योंकि डबल किया हुआ है हमने, ठीक है। यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम इसे लगा लेते हैं 5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं, फिर इसे इस तरह शेप दे देते हैं, इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे कपड़े पे चिपका लेंगे। ये गला मैंने चिपका दिया कपड़े पे, ठीक है। अब ये फ्रंट है, इसके यहाँ से हम इसे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस साइड से भी इसी तरह 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा गले का साइज है, इस गले के साइज के हिसाब से हम इसे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये 8 इंच पे हम इसे निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसे है ना, इस निशान पे इस नोक को रखेंगे, यहाँ पे इस तरह रख के इसे सिलाई लगा लेंगे। गले को पलट के तुरपाई कर लेंगे। ये मैंने तुरपाई कर लिया गले को, ठीक है। अभी हमने पट्टी तैयार की हुई है, इसका बॉर्डर लिया हुआ था, ठीक है। इसमें मैंने 0 की बुकरम लगा के दोनों साइड से मैंने इसे मोड़ दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसे इस तरह रखेंगे, इस नोक से हम थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखेंगे, इस तरह से यहाँ पे इसे एक साइड पे पहले सिलाई लगा लेंगे दोनों दोनों साइड पट्टी के, फिर इस साइड पे हम पट्टी लगाएंगे। ये देखिए मैंने दूसरी साइड सिलाई भी लगा ली इस पे पट्टी पे, ठीक है। अब दूसरी साइड पे भी हमने पट्टी लगानी है। अब यहाँ पे हमने इस तरह पट्टी लगानी है, ठीक है, और ऊपर से हमने नापना है शोल्डर पे, तकरीबन ये 14.5-15 इंच आना चाहिए आपका, ठीक है। वैसे तो आपने पट्टी रख के चेक चेक कर लेना है कि आपके जो है ना शेप कहाँ तक आ रहा है पट्टी का, तो उसी हिसाब से आपने पट्टी लगानी है इसकी। ये देखो मैंने पट्टी लगा ली, ठीक है। ये पट्टी तकरीबन आपकी कम से कम 14 इंच की आना चाहिए, वरना 15 इंच की आपकी पट्टी होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ तक डीप आ रही है शोल्डर से लेकर नीचे तक। ये देखें, ये तकरीबन मेरी 15 इंच की तैयार होगी, आधा इंच ऊपर दबाव में चला जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक पट्टी ये ली हुई है,
जो उरे पट्टी है हमारी जिसमें लचक होती है, ठीक है, इस पे मैंने जीरो की बुकरम लगा के दोनों साइड से मैंने इसके मोड़ दिया और दोबारा इस तरह से मोड़ दिया मैंने इसे। अब इसके ऊपर गले पे लगाएंगे हम ये पट्टी। अब ये बीच में हमारा 2 इंच का गैप है तो इसी तरह गैप रहना चाहिए, कम या ज़्यादा ना हो, इस तरह कम या फिर इस तरह फैलाव ना हो इसका। अब इस गले को प्रेस कर लेंगे। अब ये मैंने प्रेस कर दिया गले को, ठीक है। अब जो हमारा मेन काम था वो काम हो गया हमारा, ठीक है। अब इसका बैक का गला बना के शोल्डर जोड़ लेंगे, इसकी साइडों की सिलाई लगा के इसकी स्लीव भी लगा लेंगे और जो है ना नीचे इसका बॉर्डर भी लगा लेंगे। अब ये देखा हमने इसका बैक का गला बना के इसके शोल्डर जोड़ लिए, ठीक है। उसके तो बाद हमने इसकी साइडों की सिलाई लगा के इसकी स्लीव भी लगा ली, स्लीव में हमने इसकी आगे लेस लगा दी और नीचे जो है ना इसका बॉर्डर लगा दिया हमने बर्तावा, और यहाँ पे हमने इसका जो है ना टसल लगा दिए, ठीक है। दो कलर में लगाए, ब्लू कलर इस साइड पे लगा दिए, येलो इस साइड पे कमर वाली जगह पे लगाए, वेस्ट वाली जगह पे, ठीक है। तो इसे हमने बांध दिया, ये फ्रॉक तैयार हो गई।